नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के फेरूपुर से। जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों को किरिस्त ज्योति एकेडमी गिस्सू पुराने दी भावभीन श्रद्धांजलि व घायलों को जल्द ठीक होने की कामना भी। किरिस्त ज्योति एकेडमी के प्रधानाचार्य संतोष जोरज ने बताया कि सरकार शहीदों के परिवार को हर संभव मदद करे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। ये अभी जो अटैक हुआ है वहाँ पे जो हमारे जो 44 जवान मरे हैं उनके श्रद्धांजलि में हम लोग निकाल रहे हैं और हम अपने देश के साथ में खड़े हैं। हमारे फौजी जितने भाई हैं उनके साथ में खड़े हैं और उनके परिवार के साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन समय उनके लिए भी और हम उनके परिवारों को भी ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ में इस कठिन समय में आपके साथ। सर, जैसे कि अभी सहारनपुर में कुछ लोग थोड़ा आतंकी हमला हुआ है, कुछ लोग मरे हैं, उनके लिए बहुत से लोगों ने SDM साहब को और भी अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, उनके लिए कुछ मांग की है या इसके लिए आपकी कुछ शहीदों के कुछ मांग रखे हमने? अभी तो जो हम ये कर रहे हैं ये तो सारी देश जो है इस श्रद्धांजलि को कर रही है और मेरे ख्याल से इस सत्र में हम पहली बार है जो ऐसे श्रद्धांजलि यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब है कि कोई मांग रखी आपने शहीदों के लिए? शहीदों के लिए उनके परिवारों को सरकार जो है पूरी समर्थन करे और पूरी तौर पे जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनके परिवार की ज़रूरतें, उनका पूरा ध्यान रखा जाए, ये तो हम निश्चित रूप से सरकार से मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने जान को दी है। जैसे कि वहाँ पर आर्मी से आया, आप इसके बारे में कुछ पत्रकार क्या कहेंगे आप? इतना मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी आर्मी कहाँ से आया, उसके बारे में क्या कहिएगा? अब ये तो इसकी तो छानबीन चल रही है, सरकार भी छानबीन कर रही है और आर्मी फोर्स भी उसकी छानबीन कर रही है। जब उसका रिपोर्ट आ जाएगा तो हम सबको पता लग जाएगा कि कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है।